विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एवं श्री राधा स्नेह बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा का पर्व 20 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसे लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारी कर ली गई है। वहीं मंदिर प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेशानुसार शरद पूर्णिमा पर राजभोग एवं शयन भोग सेवा के समय में 1-1 घंटे की वृद्धि की गई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 20 अक्टूबर को राजभोग आरती दोपहर 11:55 के स्थान पर 12:55 पर एवं शयन भोग आरती रात्रि 9:25 के स्थान पर 10:25 पर होगी। हम आपको बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी वर्ष भर में केवल एक दिन शरद पूर्णिमा पर ही मोर मुकुट कटी काछनी व बंशी धारण कर स्वर्ण रजत सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। साथ ही आज के दिन ठाकुर बांके बिहारी को चंद्रकला व खीर का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर्व को लेकर मंदिर के सेवायत गोस्वामियों द्वारा भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा का उत्सव 20 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा और इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में महाराज किया था शरद पूर्णिमा की रात थी, तो शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी महाराज हमारे महाराज की छवि का अद्भुत दर्शन ठाकुर जी का होता है और वो महाराज की छवि में जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार धारण किया था वही श्रृंगार हम बिहारी जी महाराज को धारण कराते हैं। कहते हैं मोर मुकट कट काचनी कर मुरली और माल यह बानक मो मन बसाओ सदा बिहारी लाल। तो बिहारी जी जो साल में एक बार अभी आप दर्शन करेंगे तो बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं होगी, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन हमारे बिहारी जी महाराज साल में एक बार बांसुरी धारण करते हैं, कमर में कटकाशनी होती है, मस्तक पर मोर मुकुट होता है, हाथ में छड़ी होती है जिसको लकुटी कहते हैं। वो बिहारी जी का बड़ा अद्भुत स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर गोपियों के मध्य निकुंज लताओं के बीच बिहारी जी महाराज का बड़ा अद्भुत मनोहारी दर्शन ठाकुर जी महाराज का शरद पूर्णिमा की दिन होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर श्री राधा स्नेह बिहारी जी में और बांके बिहारी जी में ये शरद उत्सव 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें ठाकुर जी साल में एक ही बार बांसुरी धारण करते हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी को मोर मुकुट कटकाशनी कर मुरली मुरली केवल एक ही बार साल में ठाकुर जी धारण करते हैं। इसमें छड़ी होती विशेष और दो मुकुट होते हैं स्वर्ण के। इस दिन विशेष ठाकुर जी को चंद्रकला एवं खीर का भोग लगाया जाता है। विशेष मंदिर में मंदिर की सभी लाइटें बंद करके जब चांद ठाकुर जी के बिल्कुल सामने आ जाता है तो चांद की रोशनी ठाकुर जी के चेहरे पर पड़ती है, तो उस दर्शन का उस जो दर्शन जो उस समय होते हैं उसका मैं कहूँगा स्वरूप ही कुछ और होता है। तो ये उस दिन की विशेषता है।